बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, ठीक है जी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने एंडोक्राइन डिजीज पढ़ी है उसकी फार्माकोलॉजी के बारे में, उनके ड्रग्स के बारे में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोग को याद रखनी है, एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के अंदर वो मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ है, और साथ में उसके अंदर थायराइड फार्माकोलॉजी है कि हाइपर थायराइडिज्म में क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म। सो इस बुक के अंदर जो फार्माकोलॉजी लिखी है वो डायबिटिक मैनेजमेंट पे है और थायराइड फार्माकोलॉजी। तो हम स्टार्ट लेते हैं डायबिटीज मेलाइटस थेरापी के बारे में, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ऑल पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटस शुड रिसीव एजुकेशन ऑन डाइट, एक्सरसाइज, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग एंड कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट। इट्स मीन कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको हमें डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में और ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में अवेयरनेस देनी है, क्योंकि अगर वो अपने आप को इग्नोर करेंगे जो डायबिटिक कंट्रोल है वो जनाब उनके हाथ से निकलती जाएगी। सो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो वी शुड एजुकेट द पेशेंट दोज हु आर डायबिटिक रिगार्डिंग देयर डाइट्स, एक्सरसाइज एंड ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग एज वेल एज कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट। एक्चुअली जो ट्रीटमेंट है, अब जो डाइट है ना, इसके बारे में याद रखें, वी शुड टेल द पेशेंट डू नॉट ईट कार्ब, मतलब एनी थिंग विच कंटेन स्वीट्स, क्योंकि जो स्वीट चीज़ें हैं उससे ग्लूकोज लेवल मजीद बढ़ सकता है। तो मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है उनको हम प्रॉपर डाइट के बारे में बताएंगे और उनको बताएंगे कि कम अज़ कम डेली के बेस पे 30 से लेके 40 मिनट तक आप लोग जो है क्या करें, एक्सरसाइज क्या करें, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ती है, तो उससे भी जो बॉडी के अंदर फैट्स है, एक्सेस फैट्स है, वो भी कम होती है और उससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है। ट्रीटमेंट डिफर बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ डायबिटीज। एज वी डिस्कस वी हैव टाइप 1 एंड टाइप 2, सो बोथ डायबिटीज शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। लाइक टाइप 1 डायबिटीज द होल सोल ट्रीटमेंट इज इंसुलिन रिप्लेसमेंट, बट इन टाइप 2 वी कैन यूज ओरल एजेंट्स, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस इज कॉल्ड मेटफॉर्मिन। मतलब एक पेशेंट है, द पेशेंट इज ओबीस एंड हैविंग टाइप 2 डायबिटीज, लेकिन रिमेंबर देर इज नो रीनल फेलियर, क्योंकि जो मेटफॉर्मिन है वी विल डिस्कस इट कैन कॉज लैक्टिक एसिडोसिस। तो अगर एक पेशेंट है उसको टाइप 2 डायबिटीज है लेकिन उसको कोई अदर मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, बट द पेशेंट इज ओबीज एज वेल, तो मेटफॉर्मिन इज द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। इसलिए कि जो मेटफॉर्मिन है एक तो वेट लॉस में काम करता है और दूसरी इसकी बात यह है कि इट इज यूग्लाइसिमिक इन नेचर। इट्स मीन दिस इज द ओनली ड्रग इन डायबिटिक मैनेजमेंट विच डू नॉट काज हाइपोग्लाइसीमिया, नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल, इंसुलिन रिप्लेसमेंट, वेट लॉस पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज। द रीजन इज कि दोज पेशेंट हु आर टाइप 2 डायबिटिक, दीज पेशेंट आर यूजुअली ओबीस। और आप लोगों को पता है कि ओबेसिटी के अंदर जो फैट्स का लेवल बढ़ता है, तो दोज फैट्स डू नॉट वॉन्ट डेट इंसुलिन एक्ट ऑन द रिसेप्टर बिकॉज फैट्स कैन काज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसलिए उसको कम करने के लिए वी शुड इनकरेज द पेशेंट टू लीड्स टू इनकरेज द पेशेंट फॉर वेट लॉस, एंड इफ वेट इज लॉस ओबेसिटी इज डिक्रीज देन देयर विल बी डिक्रीज लो ग्लूकोज लेवल। एक बहुत है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, मतलब डायबिटीज अगर प्रेगनेंसी में हो जाए, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज को हम जेस्टेशनल कहते हैं। इंसुलिन रिप्लेसमेंट एंड न्यूट्रिशन थेरापी एंड एक्सरसाइज अलोन फेल। इनिशियली हम प्रेगनेंसी के अंदर मेडिसिन की इस्तेमाल कम से कम करना चाहते हैं। अगर एक पेशेंट है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज है, इनिशियली वी शुड आस्क द पेशेंट फॉर न्यूट्रिशन थेरापी एंड एक्सरसाइज, बट इफ बोथ दोज अलोन फेल देन द नेक्स्ट लाइन ऑफ थेरापी शुड बी इंसुलिन रिप्लेसमेंट। इसकी वजह यह है इंसुलिन डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, इट्स मीन इट इज नॉट टेराटोजेनिक, इट डू नॉट काज एनी हार्म टू द फीटस। इसलिए द सेफ ड्रग विच कैन डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल एंड प्रेगनेंसी दैट शुड बी इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन इज अ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इज प्रेफर्ड फॉर डीके, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, बट दैट शुड बी इन IV बिकॉज बायो अवेलेबिलिटी इज 100%। हाइपरकेलेमिया प्लस ग्लूकोज एंड स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया। अब इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो दोनों टाइप्स की डायबिटीज है उसकी जो मैनेजमेंट है उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। लेकिन ड्रग्स स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो समथिंग अबाउट दिस डायग्राम। देखिए, अगर आप एक पेशेंट को मेटफॉर्मिन देंगे या पायोग्लिटाजोन या रोसीग्लिटाजोन,
सो दीज टू ड्रग दे इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। एक्चुअली जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है उसको कम करके इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है दे आर इंक्रीज बाई मेटफॉर्मिन और पायोग्लिटाजोम एंड दे आर बाई एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटल मसल्स। फिर ये क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन ऑल्सो डिक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द लीवर, दैट इज डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर आप इंसुलिन को सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे, इंसुलिन रिसेप्टर पे ज्यादा काम करें और न्यू ग्लूकोज ना बनाने दें, तो उससे जो ओवरऑल हाई ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। अनदर ड्रग इज कॉल्ड SGLT2 इनहिबिटर, दैट इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को एक डायग्राम भी ड्रा करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल दीज ड्रग एक्ट इन द किडनी एंड द किडनी वी हैव अ कप शेप स्ट्रक्चर नोन एज बोमेन कैप्सूल। ये हमारे पास क्या है, बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल के बाद नेफ्रॉन का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड PCT। आफ्टर PCT वी हैव लूप ऑफ हेनले, फिर इसके बाद DCT कलेक्टिंग डक्ट इस तरह। लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया विद दीज ड्रग्स आर एक्टिंग दे आर PCT। तो यहाँ पे देखिए, जब सोडियम फॉर एग्जाम्पल सोडियम ये फिल्टर हो जाए और ग्लूकोज भी फिल्टर हो जाए, तो प्लीज रिमेम्बर जो सोडियम ग्लूकोज है दे कैन रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दी PCT। अब जिस ट्रांसपोर्टर के जरिए सोडियम रीअब्जॉर्ब होगी उसी ट्रांसपोर्टर के जरिए ग्लूकोज भी जाएगी। अब ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें दोनों की फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो, इसको हम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, को ट्रांसपोर्ट। तो को ट्रांसपोर्ट का मतलब बोथ द एजेंट दे फ्लो इन वन डायरेक्शन, इसको सिंपोर्ट भी कहते हैं। तो देयर कॉल्ड को ट्रांसपोर्ट, इसको सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगर ऐसा ड्रग जो हम इस सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट को क्या करें, इनहेबिट करें, फिर ये ग्लूकोज जो वापस जाना था अब ये किधर जाएगी, यूरिन में जाएगी और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। सो दीज ड्रग दोज ड्रग विच इनहेबिट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर दे डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन द किडनी एंड द पार्ट ऑफ किडनी वेयर दीज ड्रग एक्ट दे आर कॉल्ड ऑफ PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसके अंदर जो क्लासिकल ड्रग आता है एम्पाग्लिप्लोजिन एंड डेपाग्लिप्लोजिन, वी विल डिस्कस इट। कभी कभार मतलब एक ड्रग होता है जो हम फूड लेते हैं, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, अब वो इंटेस्टाइन के अंदर जब डाइजेस्ट होती है फिर एब्जॉर्ब होती है। सो कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है उसमें ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है। तो मतलब ऐसा ड्रग जो ग्लूकोसाइडेज, इसमें द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग द एक्टिंग इज कॉल्ड एकार्बोज। ये जो एकार्बोज है इट इज अ ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर एंड इट एक्ट इन द इंटेस्टाइन टू डिक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। ये ड्रग किडनी में काम करते हैं, ये ड्रग इंटेस्टाइन में काम करते हैं। इन ड्रग का काम ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन को कम करना है और इस ड्रग का काम ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को कम करना है, क्योंकि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है और किडनी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है जी, फिर यहाँ पे आते हैं इन ड्रग्स की तरफ, दैट इज सल्फोनाइल यूरिया। इसमें ग्लेबजाइड, ग्लाइब्यूराइड, मतलब द मोस्ट इंपोर्टेंट इज ग्लेबजाइड। इसमें एक और ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइब्यूराइड, मतलब मुख्तलिफ ड्रग्स अंदर आते हैं लाइक मेगलिटिनाइड, GLP-1 एनालॉग, DPP-4 इनहिबिटर। ये जो DPP-4 इनहिबिटर हैं दे आर डाइपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4। तो मतलब ये जो मतलब हमारे पास ये इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ाते हैं एंड एक्ट ऑन द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास। जहाँ पे GLP-DP ये एमाइलिन एनालॉग है, ये ग्लूकोगन की रिलीज को कम करता है और ये गैस्ट्रिक एमटीएन को डिक्रीज करता है। अब इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये जो डायग्राम है ये 2018, 2019 और 20 की जो फर्स्ट एड है ये उसके अंदर नहीं है, इसलिए जो 2023 की फर्स्ट एड है मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने अभी चेंज की है। अभी देखिए हम डिस्कस करने जाएंगे अब इंसुलिन प्रॉपर, इंसुलिन की जो प्रिपरेशन है उसमें देखिए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन दे आर लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन। याद रखें लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन दे आर दी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इनको हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब शॉर्ट एक्टिंग के अंदर रेगुलर इंसुलिन आता है, रेगुलर, इसको हम ह्यूमुलिन आर भी कहते हैं। एंड दिस शॉर्ट एक्टिंग विच इज अ रेगुलर इंसुलिन इट इज कॉमनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ DKA। फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग का नाम NPH है, NPH के बाद जनाब लॉन्ग एक्टिंग है दैट इज डेटिमर एंड ग्लार्गिन, एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग दैट इज कॉल्ड डिग्लुडेक।
ये जो डिग्लुडेक है ये भी 2019 2020 के फर्स्ट स्टेट में नहीं है, तो दे आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन। तो और से सुने, इंसुलिन वी कैन डिवाइड इट डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म एक्शन एंड टू फ्यू टाइप्स। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का दूसरा नाम वेरी वेरी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, देयर थ्री। आप लोग यहाँ पे इस तरह याद रखे, लेग लेग के अंदर लिस्प्रो एस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन है जो हिमुलिन आर है, फिर इंटरमीडिएट इंसुलिन है NPH, और लॉन्ग एक्टिंग में देखिए इसमें डी है डेटिमर के अंदर। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में, जो लॉन्ग एक्टिंग है उसमें एक डेटिमर है और एक क्या है ग्लार्गिन है। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को इसके बारे में बताता चलूँ कि किस तरह याद रखना है। सो लॉन्ग एक्टिंग में दो है, अब इसका पहला वर्ड डी है, डी फॉर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका मतलब यह है कि ये ज्यादा ड्यूरेशन के लिए काम करेगा लॉन्ग एक्टिंग। और ग्लार्गिन, ग्लार्गिन इज लार्जिन, अब लोग अगर इस तरह ले गए लार्जिन, तो लार्जिन मतलब लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। और डिग्लुडेक ये जो आप क्या है वेरी वेरी लॉन्ग एक्टिंग है। एक्चुअली इन सब का काम दे बाइंड टू इंसुलिन रिसेप्टर दैट इज टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, और ये करते क्या है, ये इंक्रीज ग्लूकोज स्टोरेज इज अ ग्लाइकोजन। इसका मतलब ये है कि ये ग्लूकोज जो है इसको कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, ये ग्लाइकोजन में, क्योंकि बॉडी के अंदर पहले से ग्लूकोज का लेवल क्या है ज्यादा है। जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसका ग्लूकोज ज्यादा होता है और उसको हमने कम करना है, तो इंसुलिन विल डिक्रीज ग्लूकोज विच इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस कराती है मसल में, ग्लाइकोजन बढ़ाती है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाती है, और ये ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करती है, और यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन में इंक्रीज मतलब पोटेशियम अपटेक को भी बढ़ाती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर ये सेल है, सेल और यहाँ पे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, और आप किसी पेशेंट को इंसुलिन देंगे ना इंसुलिन, सो हाउ इट विल डिक्रीज ग्लूकोज। वन इज इट विल कन्वर्ट मोर ग्लूकोज इन टू ग्लाइकोजन इन द लीवर, मसल में भी ग्लाइकोजन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है, और ये एक्सेस ग्लूकोज को ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। और दूसरी बात, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज है तो इंसुलिन टेक दैट ग्लूकोज एंड इंक्रीज अपटेक ग्लूकोज इनटू द सेल। ये ग्लूकोज को सेल में डालता है ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, लेकिन इसका एक मसला यह है कि ये साथ साथ किसको भी सेल में डालता है, पोटाशियम, इट ऑल्सो इंक्रीज पोटाशियम अपटेक इन द सेल। लेकिन अगर एक पेशेंट है वो इंसुलिन ले रहा है, सो व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इफ वी गिव इंसुलिन मोर डोज, अगर इसकी यूनिट हम नॉर्मल से ज्यादा देंगे, इट विल काज हाइपोग्लाइसीमिया लाइपोडिस्ट्रोफी, दिस इज दी डिसअरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स। इसलिए जो इंसुलिन इंजेक्शन है ये हम बॉडी के अंदर एक जगह पे नहीं लगाते, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लगाते हैं टू प्रिवेंट लाइपोडिस्ट्रोफी। इन सम पेशेंट इट कैन काज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बट इट इज रेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेट गेन। अब आप लोगों को अगर यो ये कोई पूछे जो वेट गेन है ये इंसुलिन क्यों कराता है, इसका वजह यह है कि जो इंसुलिन है इट कैन काज प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। तो जितना कोई हार्मोन प्रोटीन बनाएगा, लिपिड बनाएगा, तो उसकी वजह से ओवरऑल वेट क्या होती है, गेन होती है। तो दो चीजें, एनी पेशेंट हु आर टेकिंग इंसुलिन, द मोस्ट डिवास्टिंग एंड द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट विच वी विल केयर अबाउट इट दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया एंड ऑफ वेट गेन। सो हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन बोथ आर द प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग इस टेबल को देखें, ये भी जनाब प्रीवियस बुक्स में एब्सेंट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से एक इंसुलिन देंगे और ये बहुत कम टाइम में पीक में पहुंच जाए, बट इट आल्सो कम वेरी वेरी क्विकली, मतलब ऐसा ड्रग जो 4 से 5 घंटे तक काम करे, 4 से 5 घंटे तक काम करे, बट द ड्रग कैन गो अप वेरी क्विकली एंड कम वेरी क्विकली अगेन, दैट इज कॉल्ड रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लाइक लिस्प्रो एस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन। फिर यहाँ पे जो रेगुलर है ये जो थोड़ा सा जो है ना आगे 10 घंटे तक जाता है, ये शॉर्ट एक्टिंग है, ये NPH फिर 14 से 15 घंटे जाता है, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है। अब यहाँ पे लेके डेटीमर को देखे तो डेटीमर मोर देन 18 है, और ग्लार्जिन को देखे ये मतलब फिर मोर देन 24 आवर तक भी जाते हैं। तो ये जो पीक्स है ना, इट्स मीन दीज ड्रग गोज इन द पीक वेरी स्लोली, बट वंस दे रीच द पीक दे विल रिमेन इन द बॉडी या दे विल एक्ट फॉर लॉन्गर टाइम। तो इसका मतलब यह है कि ये प्लाज्मा इंसुलिन लेवल है कि पीक पे ये कब पहुंचते हैं और ये हार्स है जहाँ तक वो काम करते हैं। तो ये इंसुलिन की फॉर्मुलेशन थी, प्लीज रिमेंबर
इंसुलिन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर एक पेशेंट डीके है, डायबिटिक कीटो एसिडोस है, तो उसमें जो इंसुलिन की फॉर्मुलेशन देते हैं दैट इज कॉल्ड रेगुलर इंसुलिन। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज नोन एज मेटफॉर्मिन। अब आते हैं मेटफॉर्मिन क्या है, ये वो ड्रग है ये दोनों जिससे इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो हम बढ़ा सकते हैं और जो इंसुलिन की रिजिस्टेंस है उसको कम करेंगे। तो देखिए मेटफॉर्मिन क्या करता है, नंबर वन इट इनहिबिट माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। और आप लोगों को पता है जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा इट विल इनहिबिट दैट हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड द एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये है कि हमने न्यू ग्लूकोज इनहिबिशन ऑफ हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट्स मीन कि वी वांट टू डिक्रीज ग्लूकोज। देखिए डायबिटीज के अंदर जब भी आप ट्रीटमेंट पढ़ते हैं यू पीपल शुड नो वन थिंग क्लियर कि एवरी ड्रग इन डायबिटीज इफ वी यूज द मेन टारगेट फ्रॉम दैट ड्रग वी वांट दैट डिक्रीज ग्लूकोज। तो अगर मेटफॉर्मिन ये लीवर में जाता है हेपेटिक और ग्लूकोनियोजेनेस इसको क्या करता है, कम करता है, ग्लूकोगॉन की रिलीज को कम करता है, ये ग्लाइकोलिसिस को बढ़ाता है। व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे विच इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब यह है कि जो ग्लूकोज पहले से बॉडी में ज्यादा है उसकी ब्रेक डाउन को बढ़ाता है ताकि फ्री ग्लूकोज मजीद कम हो जाए, ग्लाइकोलिस बढ़ाता है, और ये ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ाते पेरिफेरली इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। तो देर आर फोर थिंग या फोर मैकेनिज्म थ्रू विच मेटफॉर्मिन इज वर्क। नंबर वन इट इनहिबिट हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट इनहिबिट द एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन, इट एक्सेलरेट ग्लाइकोजिनो एक्सेलरेट ग्लाइकोलाइसिस एंड इट इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी इन दी पेरिफेरल सेल। सो दीज आर द फोर वे हाउ मेटफॉर्मिन कैन डिक्रीज ग्लूकोज। लेकिन यहाँ पे एक चीज इन लोगों ने मिस की है, देखिए कुछ चीज के फायदे हैं कुछ के नुकसान भी है, ये पुराने बुक में है लेकिन नए में नहीं है। लेकिन आप लोग ये लिख ले, ये एग्जाम्स के अंदर आता है, ये जो मेटफॉर्मिन है ये जिस फैमिली के अंदर बिलोंग करता है इसको हम बिगविनाइट फैमिली कहते हैं। सो बिगविनाइट फैमिली जो है ये मेटफॉर्मिन को कहते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज जीआईटी अपसेट बट वेरी वेरी विथ कॉशन वी कैन यूज इन रीजन इनसफिशियंसी द रीजन इज कैन कॉज लैक्टिक एसिडोसिस। विटामिन B12 डेफिशिएंसी कराता है एंड इफ विटामिन B12 इज डेफिशिएंट इन द बॉडी इट विल कॉज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ये क्या करा सकता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, इट कैन कॉज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया एंड वेट लॉस ऑफन डिजायर्ड। इट्स मीन जो मेटफॉर्मिन है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलो, इसके अगर आप लोगों को ये बताए कि ना इसकी यूज बताए, एक तो आप लोग को पता चल गया कि DM2 में देते हैं, फिर गायनी के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह जिंदगी रही, एंड दोज वांट टू स्टडी क्लिनिकल फ्रॉम मी उनको मैं गायनी के अंदर एक डिजीज पढ़ाऊंगा दैट इज PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, अ फीमेल इज ओबीज, उन फीमेल को वेट लॉस के लिए हम क्या देते हैं, मेटफॉर्मिन। सो मेटफॉर्मिन ऐसा ड्रग है, इसके 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इट डिक्रीज हाई ग्लूकोज बट इट कैन नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, इट इज अ यू ग्लाइसेमिक एजेंट। इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल से कम नहीं करता। नंबर टू इट कैन ऑल्सो यूज फॉर वेट लॉस, और नंबर थ्री इसमें याद रखे इट इज वन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओबेसिटी एंड Type 2 डायबिटीज। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट दैट इज जी अपसेट बट द लीथल एंड डेंजरस साइड इफेक्ट इज लैक्टिक एसिडोसिस ड्यू टू विच वी कैन यूज मेटफॉर्मिन इन अ कॉशन स्पेशली इन अ पेशेंट ऑफ रीनल फेलियर। अब इसके बाद आते हैं पायोग्लिटाजोन, इसके अंदर एक और ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड रोसिग्लिटाजोन। अब ये जो पायोग्लिटाजोन रोसिग्लिटाजोन है ये क्या करते हैं, दे एक्टिवेट पार गेमा न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये मतलब ये है कि ये इसका नाम है पर ऑक्सीसोम प्रोलिफ्रेटर एक्टिवेटर, मतलब रिसेप्टर गामा न्यूक्लियर रिसेप्टर। इसका मतलब ये है ये हमारे पास एक क्या है, रिसेप्टर है, और अगर आप पार गामा को एक्टिवेट करेंगे इट विल इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, दैट्स इट, ठीक है जी। और यहाँ पे लिखे इट आल्सो रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड फैटी एसिड स्टोरेज। लेकिन इसका मसला यह है पायोग्लिटाजोन, जोन मीन इट कैन कॉज वेट गेन, ये वेट गेन कराता है, ये एडिमा कराता है, और वेट गेन की वजह एडिमा है, हार्ट फेलियर, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक पेशेंट है उसको जनाब क्या है, अ पेशेंट हैविंग हार्ट फेलियर, अ पेशेंट यूज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और उनमें एडिमा है,
और हार्ट फेलियर में भी अरेज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से अगर एडिमा है तो हम ये वाले ड्रग फिर यूज नहीं करेंगे। दोज पेशेंट हु हैज एडिमा आर हार्ट फेलियर वी शुड नॉट यूज पायोग्लिटाजोन आर रोसिग्लिटाजोन। और ये ऑस्टियोपोरोसिस कराता है, बोन को वीक कराता है, इसलिए पेशेंट हु हैज डिक्रीज बीएमडी बोन मास डेंसिटी उनके अंदर भी ये ड्रग हम ज्यादातर यूज नहीं करते। ठीक है जी, इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग की तरफ आएंगे दैट इज नोन एज सल्फोनाइल यूरिया। ये भी बहुत आसान है। सल्फोनाइल यूरिया की जो ड्रग है ये और मैग्लिटिनाइड। अब देखिए इससे पहले जो दो हमने पढ़े मेटफॉर्मिन और पायोग्लिटाजोन वो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, जो सल्फोनाइल यूरिया और मैग्लिटिनाइड है ये इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट जनरेशन है क्लोरोप्रोपामाइड टोल ब्यूटामाइड इसको टेक करें, वेरी वेरी कॉमनली आस्क इन द एग्जाम टोल ब्यूटामाइड कॉमनली यूज। फिर ग्लेबजाइड एंड ग्लाइबुराइड ये सेकंड जनरेशन। मैंने आप लोग को इंसुलिन रिलीज के बारे में बताया था बीटा सेल में कि दे ये जो ड्रग है ना सल्फोनाइल यूरिया दे क्लोज पोटाशियम चैनल इन पेंक्रियाटिक बीटा सेल। तो जब पोटाशियम चैनल ब्लॉक होगा तो फिर पोटाशियम सेल में ज्यादा रहेगी, और जब सेल में ज्यादा रहेगी पोटाशियम में जब पॉजिटिव चार्ज तो सेल विल डीपोलराइज एंड इट लीड्स टू इंसुलिन रिलीज थ्रू कैल्शियम इनफ्लक्स। देखिए ये जो ड्रग है दे कैन काज डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन विद फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया ओनली बट ऑल्सो दैट इज रेयरली यूज। हम ज्यादातर अब ये यूज करते हैं डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन का मतलब यह है कि इफ वी यूज दीज ड्रग अलॉन्ग विद अल्कोहल दे विल इंक्रीज सिंपथेटिक एक्टिवेशन। और ये क्या करते हैं हाउ दीज डिक्रीज ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ इंसुलिन। प्लीज रिमेम्बर दीज पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे ये ड्रग है चाहे ये ड्रग है इन सब का काम इंसुलिन को बढ़ाना है। एंड वेन एवर इंसुलिन इज रिलीज इट विल काज हाइपोग्लाइसीमिया एंड ऑफ वेट गेन। अब यहाँ पे एक चीज नोट में लिखते हैं कि जो सल्फोनाइल यूरिया है इसके बारे में जो एग्जाम के अंदर आता है प्लीज रिमेम्बर दीज एजेंट्स नॉट यूज। अब ये जो एजेंट है नॉट यूज इन DM1 डायबिटीज टाइप 1, इसकी वजह यह है कि डायबिटिक टाइप 1 में बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होती है इसलिए इंसुलिन एबसेंट होता है, और ये ड्रग तो काम ही कहाँ पे करते हैं बीटा सेल, इसलिए ये ड्रग हम टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में यूज नहीं करते बिकॉज दे एक्ट ऑन बीटा सेल बट इन टाइप 1 बीटा सेल इज ऑलरेडी डैमेज। इसके बाद है इंसुलिन ग्लूकोज इंड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन इंक्रीज ग्लूकोज इंड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन। कभी कभार क्या होता है कुछ ड्रग ऐसी है वो ग्लूकोज की लेवल को टेम्पररी बढ़ा के इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाती है। अब उसमें GLP-1 ग्लूकोगन लाइक पेप्टाइड 1 एनालॉग है, इसमें एक्जानिटाइड है लेराग्लूराइड है एंड सीमाग्लूटाइड है। हाँ यहाँ पे जो मैग्लिटिनाइड है लाइक नेटिक्लिनाइड एंड रिपाग्लिनाइड इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम है और दोनों की साइड इफेक्ट भी सेम है। अब GLP-1 एनालॉग क्या है ये ग्लूकागॉन की रिलीज को कम करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को कम करता है और इंक्रीज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज। मतलब ये क्या करता है ये इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग ग्लूकोज बट दे कैन काज नोजिया वोमिटिंग पेंक्रियाटाइटिस वेट लॉस एंड इंक्रीज सेटाइटी दैट इज ऑफन डिजायर्ड बट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इन डायबिटिक पेशेंट इफ वी कैन यूज दे विल प्रेजेंट इन GPL-1 एनालॉग कैटेगरी एक्सानिटाइड या लेराग्लूराइड। जो टाइड वाली है ये GLP-1 एनालॉग है। अब इसके बाद आते हैं DPP-4 इनहिबिटर, ये लीनाग्लिप्टन सिक्सागलिप्टन एंड सीटाग्लिप्टन। ये सीटाग्लिप्टन ज्यादा यूज होता है इनहिबिट DPP-4 एंजाइम। DPP इज अ डाइपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 डाइपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 दैट डीएक्टिवेट GLP-1 दैट डिक्रीज ग्लूकोगन रिलीज डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टी एंड इंक्रीज ग्लूकोज इंसुलिन। बोथ आर द सेम लेकिन ये रेस्पिरेटरी यूरिनरी इन्फेक्शन कराती है वेट न्यूट्रल ये वेट लॉस कराती है। अब इन दोनों का काम सेम है, ये भी ग्लूकोगन रिलीज को कम करता है ये भी ग्लूकोगन रिलीज को, ये भी गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को कम करता है ये भी ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाता है ये भी करता है, लेकिन ये वेट लॉस कराते हैं और ये वेट पे कोई असर नहीं कराते, वेट न्यूट्रल। सेटाइटी से भी बढ़ती है इससे भी बढ़ती है। लेकिन ये जो DPP-4 एंजाइम है ना हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम एनक्रेटिन है दैट इज कॉल्ड ऑफ एनक्रेटिन। एनक्रेटिन इंक्रीज द इंसुलिन। ये जो DPP-4 है असल में ये डीएक्टिवेट करता है
इनक्रेटिन को, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल GLP-1, ये GLP-1 इनक्रेटिन ऑलमोस्ट सेम होता है, तो अगर हम DPP-4 को काम करने दें वो इन इनक्रेटिन को डीएक्टिवेट करेगा जिससे इंसुलिन की रिलीज कम होगा, लेकिन ये ड्रग क्या करता है, ये DPP-4 को इनहिबिट करते हैं ताकि इनक्रेटिन की डिग्रेडेशन ना हो और इनक्रेटिन बॉडी में बढ़े और जाकर ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाए। तो इन ड्रग्स का काम यह है कि ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन को बढ़ाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी के ड्रग आते हैं, ये तो ईजी है, मतलब ये वो ड्रग है जिससे ग्लूकोज की जो अब्जॉर्प्शन है वो हम कम करते हैं। एक ग्लूकोज की री अब्जॉर्प्शन कम करना है और एक ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन कम करना है। तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू इनहिबिटर, ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता भी दिया है, इसमें केना ग्लिफ्लोजिन, डेपा ग्लिफ्लोजिन एंड एम्पा ग्लिफ्लोजिन, अब ये ड्रग्स आते हैं। दीज एजेंट ब्लॉक द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड आई टोल्ड यू इन द लेक्चर, मतलब इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर आई डिस्कस कि दीज ड्रग केना ग्लिफ्लोजिन ऑल फ्लोजिन फैमिली द एक्ट इन PCT एंड दे इनहिबिट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑफ सोडियम। अगर ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब ना हो तो ग्लूकोज फिर यूरिन में जाएगी, ग्लूकोज यूरिया, जिससे UTI, वाल्वो विजिनल कैंडिडिएसिस, इनके चांसेस ज्यादा होंगे, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस एंड ग्लूकोज फ्लो इन यूरिन, बिकॉज आप लोगों को पता है जहां पे ग्लूकोज यूरिन के अंदर जाएगी ग्लूकोज यूरिया होगी, ज्यादातर ग्लूकोज यूरिनरी ट्रैक में रहेगी। सो व्हेन देयर इज मोर ग्लूकोज इन द किडनी ऑल द टाइम, उस पर रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होगी। द रीजन इज कि ग्लूकोज प्रोवाइड अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूज विद कॉशन इन रीनल इनसफिशियंसी, डिक्रीज एफिकेसी विद डिक्रीज GFR। तो ये रीनल इनसफिशियंसी में हम थोड़ा सा कॉशन के साथ यूज करते हैं, लाइक एग्जैक्टली मेटफॉर्मिन, इसलिए कि दिस ड्रग एक्ट इन दी PCT और ये PCT पे काम करेंगे, अगर किडनी फेल है तो दिस ड्रग विल नॉट दैट मच इफेक्टिव। फिर अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर एकारबोज एंड मेगलिटोल, मेगलिटोल इनहिबिट करती है इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर अल्फा ग्लूकोसाइडेज विच लीड्स टू डिलेड कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस एंड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, ये पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को कम करता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक बंदे ने रिसेंटली खाना खाया है, स्वीट्स खाए है, और वो कहते हैं कि यार मैंने तो ऐसी चीज खाई है जिसमें स्वीट ज्यादा थी और मैं पहले से डायबिटिक हूँ, और उसके बाद आफ्टर द मील, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर द मील, अगर वो कोई ऐसा ड्रग लेना चाहे जिससे वो अपनी ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कम कर सकता है, सो दोज पेशेंट हु टेक एनी एजेंट टू डिक्रीज ग्लूकोज आफ्टर द मील दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया टू डिक्रीज, तो हमें ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को कम करनी है। दिस ड्रग एक्ट इन द इंटेस्टाइन, देयरफॉर इट कैन कॉज जी अपसेट, ब्लोटिंग, नॉट रिकमेंडेड इन रीनल इनसफिशियंसी। तो रीनल इनसफिशियंसी में हम मेटफॉर्मिन भी नहीं देते, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी नहीं देते, और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। मेटफॉर्मिन जो है ये लैक्टिक एसिडोसिस कराता है। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि डायबिटिक पेशेंट में रीनल इनसफिशियंसी के अंदर कौन सा एजेंट बेस्ट है, तो हम पायोग्लिटाजोन या रोसीग्लिटाजोन देते हैं, लेकिन उसका मसला यह है कि वो हार्ट फेलियर, एडिमा या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जिनको चांस है उनमें नहीं दे सकते। अदर में एमाइलिन एनालॉग है, तो एमाइलिन एनालॉग में प्रेमलेंटाइड है, डिक्रीज ग्लूकोगन रिलीज, डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, लेकिन इट कैन काज हाइपोग्लाइसीमिया, नोजिया एंड सेटाइटी। सो दीज ऑल आर द ड्रग दैट वी कैन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। सो डायबिटीज के जो ड्रग हमने अभी पढ़े हैं, तो गौर से सुने, वो ड्रग जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है वो मेटफॉर्मिन है, वो पायोग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन। वो ड्रग जो इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाते हैं उसके अंदर सल्फोनाइल यूरिया है, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया है, और जो चीज़ इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ाए वो हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन कराती है, तो ये सल्फोनाइल यूरिया एंड मेगलिटिनाइड है। इसके बाद वो ड्रग जो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन बढ़ा सकते हैं वो GLP-1 एनालॉग है, DPP-4 इनहिबिटर, और वो ड्रग जो ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन के साथ डील करते हैं तो वो मतलब केनाग्लिफ्लोजिन, डेपा और एकारबोज वगैरह है। सो दीज ऑल आर द मोस्ट कॉमन एजेंट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। होप यू पीपल एंजॉय द टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।